Hey guys good morning and welcome back to the online classes conducted by sunrise school my dear students how are you i hope you are feeling quite better dear students we are reading third unit and in the third unit section 2 the chapter we are reading is too much this is the third video of this chapter we have already

ड्रेस वाली लड़की से होती है जिसका नाम तारा है और वो तारा यहाँ एडमिशन कराने के लिए आई है तारा के जाने के जस्ट दो मिनट बाद ही फिर से वो लड़की आती है लेकिन मिसिस फर्नेंंडिस देखती है कि अब की बार उस लड़की ने नीला रिबन लगा रखा अपने बालों में पहले जब वो मिली थी तो उसने सफ़ेद रिबन लगा रखा था वाइट रिबन और उसका ऊपर का दांत गायब था और अब जब वो मिली है इससे तो इसने वाइट रिबन की जगह ब्लू रिबन लगा रखा है बालों में और अब की बारिश का नीचे का दांत गायब है तो ये थोड़ा सा मिसिस फर्नेंंडिस हैरानी में पड़ जाती है कि ये लड़की कौन है जो थोड़ी देर पहले ऊपर का दांत गायब था अब नीचे का दांत मिसिंग है तो उससे बातचीत कर रही है वो तो उस लड़की से कहती है बताइए तुम्हें और क्या क्या अच्छा लगता है सो टेल मी वट एल्स डू यू लाइक यहाँ से अब हम पढ़ेंगे भेलपुरी उसने कहा मुझे भेलपुरी अच्छा लगता है एस्पेसी ये एक मसालेदार व्यंजन होता है और फफड़ फूला हुआ राइस स्नैक्स जो राइस होता है ना चावल को फुला कर बनाया जाता है ये भेलपुरी ये अच्छा लगता है सी एक्सक्लेम्ड लड़की ने कहा एक्सक्लेम मीन कहना हर हैंड सूट अप टू हर माउथ लड़की ने अपना मुंह अपना हाथ अपने मुंह पर लगा लिया टू कवर हर गुफ ऑफ गुफ ऑफ़ क्या होता है ना समझी कि उसने ना समझी में ये कह दिया भेलपुरी अच्छी लगती है तो कह तो दिया लेकिन उसने फिर अपनी ना समझी में अपना हाथ अपने मुंह पर लगा लिया बट लक्की लेकिन किस्मत से मिसिस फर्नेंडिस गेव वन ऑफ दी गर्गारियस लाफ ग्री लाफ क्या होता है ग्रीगेरियस का मतलब है जोर की ज़ोरदार हंसी हंसी उसने दैट सी वाज सो फेमस फॉर और इस हंसी के लिए वो बड़ी प्रसिद्ध थी कि वो लोगों के साथ हंसी में हंसी मिला कर के और हंसती रहती थी तो ग्रीगेरियस क्या होता है कि ऐसी हंसी हंसना जिसमें सब लोग भी शामिल हो जाएं। और इसी हंसी के लिए वो प्रसिद्ध थी एंड एवरी वन ज्वाइंड इन और इस हंसी में सभी लोग उसके साथ शामिल हो गए सब हंसने लगे टेल मी मुझे ये बताइए लड़की डू यू ऑलवेज ड्राइव यूअर सखी क्रेजी क्या तुम हमेशा अपनी सखी को पागल बनाती रहती हो सखी मीन ये अपनी मम्मी को सखी बोलती हैं क्योंकि ये एज ए फ्रेंड अपनी मम्मी के साथ रहती हैं तो क्या तुम अपनी मम्मी को पागल बनाती रहती हो आर यू नॉट सुपोज टू बी विद हर क्या तुम्हें उनके साथ रहना अच्छा नहीं लगता है मिसेस फर्नैंडिस आस्क मिसेस फर्नेंडिस ने पूछा स्लाइटली एक्स एस्परेटिड एक्स एस्परेटिड क्या होता है बेटे एक्स एस्परेटिड -as, होता है हताशा अचानक थोड़ी सी हताश होते हुए विद इज़ फुट लूज स्लीप ऑफ ए गर्ल लूज क्या होता है फुट लूज होता है मतलब थिरकन कभी पैर यहाँ टिकना कभी पैर वहाँ टिकना एक जगह पर पैर ना टिकना भागते रहना तो उस लड़की की इस प्रकार की भाग दौड़ से थोड़ा सा हताश होते हुए कि कभी ये वहाँ है कभी मुझे ये जो है स्कूल के कंपाउंड में मिली थी स्कूल के वेटिंग रूम में मिली थी फिर मुझे ये हेडमास्टर के वेटिंग रूम में मिली अब मुझे सीढ़ियों के आगे मिली मतलब ये लड़की के पैर जो है ना फुट लूज रहते हैं टिकते ही है नहीं फिसलते रहते हैं तो मिसेज फर्नेंंडिस आस्कर मिसिज फर्नेंडिस ने कहा पूछा स्लाइटली एक्स थोड़ी सी हताश होते हुए पूछा विद हिज फुट लूज स्लीप ऑफ ए गर्ल कि ये लड़की ये जो लड़की है ये बार बार जो है एक स्थान पर टिकती ही नहीं है तो इस हताशा में उस लड़की से पूछ लिया क्या तुम्हें अपनी माँ के साथ रहना अच्छा नहीं लगता ओ यस मैम हाँ मैम दैट इज़ एग्जैक्टली वेयर आई एम गोइंग मैम मैम वहीं तो जा रही हूँ अपनी माँ के पास ही तो जा रही हूँ द गर्ल टर्न टू आलमोस्ट रन लड़की मुड़ी और वो भागने ही वाली थी देन सडनली फिर अचानक सी वाज फेसिंग देम अगेन फिर वो लड़की वापस मिसिस फर्नान्डिस के सामने मुंह फेर लिया उसकी तरफ देखने लगी शायद कुछ कहना चाहती थी यस yes, हाँ सिंस दिस वाज मिसिस फर्नेंडिस आस्किंग नो वन कूड ऑब्जेक्ट क्योंकि ये बात मिसिस फर्नेंंडिस ने पूछी थी इसलिए कोई उसका विरोध नहीं कर सकता था देयर वाज समथिंग अबाउट द गर्ल उस लड़की के बारे में कुछ ना कुछ तो ऐसा था दैट मेड हर वेरी वेरी क्यूरियस जो मिसिस फर्नैंडिस को बहुत अधिक क्यूरियस किए हुए था जिज्ञासु बनाए हुए था द चाइल्ड वॉज आस्किंग समथिंग लड़की कुछ पूछ रही थी एंड शी कुड नॉट कंसनट्रेट और वह अपना ध्यान जो है एकाग्रित नहीं कर पा रही थी तो लड़की ने पूछा यस क्या यू नो दैट आई कॉल्ड माई मदर सखी आप ये जानती हैं कि मैं अपनी माँ को सखी कहती हूँ भाई क्यों नहीं जानती यू टोल्ड मी ऑफ कोर्स निसंदेह तुमने ही तो मुझे बताया था सैड मिसिज फर्नेंडिस मोर एंड मोर क्यूरियस मिसिज फर्नेंडिस ने और अधिक क्यूरियस होते हुए उत्सुक होते हुए कहा कि तुमने ही तो बताया था मुझे थोड़ी देर पहले ए टीचर ग्लेयर्ड फिर एक टीचर ने घूर कर देखा वैन दिगर लुकड लाइक सी वॉज गोइंग टू ऑब्जैक्ट जब ऐसा लगा उस टीचर को कि ये लड़की अब विरोध करने जा रही है मना करने जा रही है कि नहीं मैंने तो आपको नहीं बताया ऐसा शायद ये कहने वाली है टीचर ने जब ये देखा तो टीचर ने उसकी तरफ घूर के देखा सो सी हैडली, इसलिए वह तुरंत वहाँ से चली गई टीचर ने जब घूर के देखा तो लड़की बगैर पूछे ही वहाँ से निकल गई इट वॉज ओनली आफ्टर सी वॉज गोन उसके जाने के बाद दैट ओल्ड फेरनी फिगर्ड आउट वट हैड बीन बोधनी बूढ़ी फरनी ने ये बात फिगर आउट की बताई कि वो उसको क्या चीज़ परेशान कर रही है ंग सार, सारी चीज़ें बताई दी चाइल्ड हैड एंड अपर टूथ मिसिंग अर्लियर पहले तो इस बच्चे का ऊपर का दांत मिस था नव इट वॉज दी लोअर वन ले अब इसका नीचे का दांत मिस है दिस टाइम इवन दी गेगल ऑफ गोस्पिंग टीचर्स कुड नॉट डिस्ट्रैक्ट मिसिज फर्नैंडिस अब की बार जब टीचरों ने ज़ोर जोर से उसके साथ हंसना शुरू किया तो गैगल क्या होते हैं गप गप्सअप टीचरों ने बड़ी ही गप सप के साथ गोसिप होता है बातचीत करना दिस टाइम इवन दी गेगल ऑफ गोस गोसिप मतलब गप सप में हंसते हुए टीचर्स कुड नोट डिस्ट्रैक्ट मिसिस फर्नेंडिस टीचर मिसेस फर्नेंंडिस का ध्यान नहीं बटा पाए मिसेस फर्नेंंडिस क्या सोच रही है पहले इस लड़की का ऊपर का दांत गायब था अब इसका नीचे का दांत गायब है इस सोच में पड़ी हुई है सारे टीचर हंसने लगे लेकिन उनके हंसने पर भी मिसिस फर्नेंडिस का ध्यान नहीं बटा वो इसी बात को सोचे जा रही है सीली डेलीब्रेटली पीयर्ड एट दी हेड विजिटिंग एरिया वो जानबूझकर बूझ कर मिसिज फर्नेंडिस डेलीब्रेटली पीयर्ड ताकने लगी एट दी हेड मिस्ट्रेस विजिटिंग एरिया हेड मिस्ट्रेस के ऑफिस के आगे जो विजिटिंग एरिया है जहाँ पर विजिटर लोग बैठते हैं आकर के पेरेंट्स उसको ताकने लगी होपिंग उसको उम्मीद थी टू सी दी गर्ल अगेन कि वह उस लड़की को वहाँ बैठा देखेगी क्योंकि वह हेडमास्टर से मिलने आई थी डिसअपॉइंटिंगली बड़ी ही निराशा से सी बड़ी ही निराशाजनक बात ये थी कि सी वाज नॉट देयर कि वो लड़की वहाँ नहीं थी मिसिज फर्नेंडिस ने ये सोचते हुए विजिटिंग एरिया में देखा कि वो लड़की वहाँ बैठी मिलेगी लेकिन निराशा लगी निराशा हाथ लगी क्योंकि वो लड़की वहाँ पर नहीं थी ऑन एन इम्प्लस इम्प्लस का मतलब होता है आवेग के साथ या लालसा में एक लालसा भरी एक लालसा में दी ओल्ड लेडी हेडिड फॉर ओल्ड लेडी आगे बढ़ गई फॉर दी ऑफिस हर खुद हेडमास्टर के ऑफिस की तरफ बढ़ गई हर इंस्टिनेक्ट वर राइट उसका इरादा सही था दी गर्ल वाज देयर लड़की वहाँ हेडमास्टर के ऑफिस में थी इन्हें वाइट रिबन और अब सफ़ेद रिबन लगाए हुए थी ओल्ड फर्नी वाज इंट्रोड्यूस्ड ओल्ड फर्नी का परिचय कराया गया फर्नेंडिस का परिचय कराया गया एंड सी केम टू दार्ट ऑफ द मैटर राइट अवे और वो तुरंत मुद्दे पर आ गई जो मैटर था जिसके बारे में वो सोचा जा रही थी उस पर सीधा केम टू दी हार्ट उस मुद्दे पर आ गई तारा सियासगढ़ उसने पूछा तारा यस मैम हाँ मैम यू आर लेफ्ट हैंड क्या आप लेफ्ट हैंडेड हैं यू सिंग वेल क्या आप अच्छा गाती हैं लव भेलपुरी क्या आपको भैलपुरी अच्छा लगता है एंड कॉल योर मदर सखी और क्या आप अपनी माँ को सखी कहकर बुलाती हो कोर्स मैम निसंदेह मैम बट आई डिड नॉट टेल यू ऑल दैट लेकिन मैंने तो ये सारी बातें आपको नहीं बताई थी दी गर्ल क्राइड लड़की ने चिल्लाते हुए कहा लुकिंग जेन्यनली सरप्राइज अब लड़की अंदर ही अंदर हैरान थी कि मैडम को सब बातें कैसे पता ओ यस यू डिड अरे नहीं तुमने ही मुझे बताया था वैन वी मैट अगेन जब हम दोबारा मिले थे सैड मिसिस फर्नेंंडिस मिसिस फर्नेंंडिस ने कहा पजलिंग एवरी हर किसी को पजल क्या होता है, हैरान कर देना हर किसी को हैरानी में डालते हुए उसने कहा विद हर स्ट्रेंज इंसिस्टेंस इंसिस्टेंस क्या होता है आग्रह या जिद मिसिस फर्नान्डिस एक अजीब सी जिद पर अड़ गई कि नहीं तुमने मुझे खुद बताया था तो उसकी इस अजीब जिद पर सब हैरान हो गए बट आई सा यू ओनली वंस The गर्ल सैड फ्रेमली लेकिन लड़की ने सख्ती से कहा नहीं मैम मैं तो आपसे एक ही बार मिली हूँ दो बार कब मिली हूँ वी मैट थ्राइस बोली हम तीन बार मिले हैं सुड आई बिलीव यू क्या मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए और माई आइज़ या फिर अपनी आँखों पर विश्वास करना चाहिए मैं तुम्हारी मानूँ या अपनी आँखों की मानूँ आस्कर मिसिज फर्नेंडिस मिसिस फर्नेंंडिस ने पूछा एस्टो हर सेल्फ खुद पर वो हैरान हो गई थी एस्टोनाइज होता है चकित हो जाना खुद पर आवाक रह जाना वाहल सी एस्टोनाइज एवरी वन एल्स और साथ में उसने हर किसी को भी एस्टोनाइज कर दिया था चकित कर दिया था वो खुद भी चकित हो गई और औरों को भी चकित कर दिया इस तारा बी फूलिंग मिसिस फाउंडर फा। 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 फ्रेंडिस फर्नैंडिस क्या तारा मिसिस फर्नैंडिस को बेवकूफ़ बना रही है और इज एज अफेक्टिंग ओल्ड फैरनी या फिर बूढ़ी जो फरनी है उसकी ये उम्र का प्रभाव है कि वो भूल रही है इफ़ यू डू नॉट बिलीव मी अगर आप तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है देन वाई यू आर टाकिंग टू मी तो फिर तुम मुझसे क्यों बात कर रही हो गर्ल साउंडेड हार्ट ऐसा लगा कि लड़की को ठेस पहुँच पहुँची है एंड क्लोज टू टीयर और लगभग वो रोने लग गई दैट वॉज नॉट मिसिस फर्नाडिस इंटेंसन एट ऑल ऐसा मिसिज फर्नान्डिस का बिल्कुल इरादा नहीं था उसको रुलाने का दी ओल्ड लेडी सैट बूढ़ी औरत ने कहा आई ओनली वॉन्टेड टू नो मैं तो केवल ये जानना चाहती थी कि वाई यू कीप चेंजिंग द कलर ऑफ योर रिबन कि आप अपने रिबन का कलर क्यों बदलती रहती हैं एंड द पोजिशन ऑफ योर मिसिंग टूथ और अपने इस मिसिंग दांत की पोजिशन क्यों बदलती रहती हो कभी आपका ऊपर का दांत मिस हो जाता है कभी नीचे का तो आपने अपने दांत की पोजिशन क्यों बदलती रहती हो अपने रिबन का कलर क्यों बदलती रहती हो मैं तो ये पूछना चाहती हूँ एवरी वन इन्क्लूडिंग दी हेड मिस्ट्रेस थोट हर कोई ये सोचने लगा हेड मिस्ट्रेस भी सोचने लगी इंक्लूडिंग इन्क्लूडिंग साथ में साथ में हेडमिस्ट्रेस भी सोचने लगी कि ओल्ड फर्नी हैड ग्रोन क्रेजी कि ये जो बूढ़ी फर्नैंडीस है ये शायद पागल हो गई है येट्स प्रूव टू बी शार्पेस्ट माइंड अराउंड फिर भी उसको सबसे तेज दिमाग वाली महिला समझा जाता था यट सी प्रूड फिर भी वो साबित हो चुकी थी वो साबित हो रही थी लोगों की नज़र में टू बी दी शारपेस्ट माइंड अराउंड आस पास सबसे शारपेस्ट माइंड उसी को माना जाता था शारपेस्ट मीन तेज़ दिमाग सी रिफ्यूज टू बी एप्लोजैटिक टू दिल्डर्ड गिंग उसने रिफ्यूज़ मना कर दिया एप्लोजैटिक होने एप्लोजैट क्या होता है मतलब माफ़ी मांगने से टू दिल्डर्ड गैदरिंग हकी बक्िया हैरान हैरान भीड़ गैदरिंग मिन भीड़ वहाँ जो हैरान लोग बैठे थे उनके सामने उसने इस बात को मानने से मना कर दिया सी कैप्ट मूलिंग ओवर हर्षित क्वेश्चन वह बस अपने सवाल के बारे में विचार करती रही अपना जो क्वेश्चन था उसके दिमाग में कि ये लड़की है कौन इसके बारे में मूलिंग ओवर विचार करती रही सोचती रही सी फाउंड द आंसर और इस सवाल का उसको जवाब भी मिल गया कब मिल गया इन दी वेलकम सॉन्ग संग बाई अमोंगेस्ट अदर्स अंतरारा इन द सेम ब्लू ड्रेस विद ए ब्ल्यू रिबन जब वेलकम सॉन्ग गाया बच्चों ने और उस वेलकम सॉन्ग में अंतारा भी थी जिसने नीले रंग का रिबन पहन रखा था और नीली ड्रेस पहन रखी थी एंड ए मिसिंग लोवर टीथ और जिसका नीचे का दांत गायब था तो ये तो थी अंतारा फाउंडर्स डे हैड फाउंड ए पेयर ऑफ ट्विंसापना दिवस पर उसको दो जुड़वा मिले ट्विंस मीन जुड़वा स्थापना दिन वाले स्कूल की स्थापना वाले दिन मिसिस फर्नेंडिस को ए पेयर ऑफ ट्विन मिला एक जोड़ा किसका मिला ट्विन का ट्विन क्या होते हैं जो एक जैसे होते हैं जुड़वा भाई बहन बिसाइड बींग लेफ्टीज लेफ्टी होने के बावजूद फाउंड ऑफ ब्लू ड्रेसिस और इसके अलावा उसको लेफ्टीज़ मिले लेफ्ट हैंड वाले फाउंड ऑफ ब्लू ड्रेसिस उसे नीली ड्रेस वाले मिले भेलपुरी एंड सिंगिंग सॉन्ग्स भीलपुरी और गीत गाते हुए ऑफ देयर मदर्स अपनी माँ के बारे में होम दे काल्ड सखी जिसको वो सखी कहते हैं देऑल्सो हैड थ्री मोर थिंग्स इन कॉमन उसमें तीन और विशेष बातें थी उसको जो मिली फर्स्ट एंड औरफेन एक तो वो एक औरफेन थी औरफेन क्या होता है औरफेन होता है अनाथ फ्राम वेयर दे हैड बिन एडोपट पहली बात तो वे दोनों और फैन थी और दे हैड हाँ बिन एडोप्टिड और उनको एडोप्ट कर रखा था गोद ले रखा था सेकेंड बात क्या देखी ए डेली डिलइट सरप्राइज एट बींग री यूनाइट री यूनिट और दूसरी बात उसको ये मिली कि वो फिर से दोनों मिल गई रीयूनिट हो गई मिसिस फर्नेंडिस को वहाँ फंक्शन वाले दिन तीन चीज़ें मिली इन कॉमन मिली थ्री मोर थिंग्स इन कॉमन मिली उसको पहली बात तो फर्स्ट एन ऑर्फनेस फ्रॉम वेयर दे हैड बीन अडॉप्टेड पहला तो वो ऑर्फनेज मिले जहाँ से उनको एडोप्ट किया गया था कि उसको एडोप्ट किया, किया था वो मिले सेकंड ए डिलाइटेड सरप्राइज एट बिंग री यूनाइट री यूनिइट दूसरा उसको खुशी जब मिली जब वो दोनों एक हो गए दोनों एक साथ मिले एंड लास्ट ए फेबलियस फ्रेंड इन ओल्ड फ्रेनी और आखिरी जो चीज़ मिली वो ओल्ड फ्रेनी को एक बहुत ही शानदार फ्रेंड मिला फेबलियस होता है शानदार फ्रेंड मिल गया तो आपने देखा कि ये जो बूढ़ी फर्नेडीस थी ये शुरू से ही सोच में पड़ी हुई थी कि ये लड़की बार बार अपना दांत की पोजीशन क्यों बदल आती है अपना रिबन क्यों बदल आती है अब लास्ट में जा कर के जब वो वेलकम सॉन्ग गाया गया तब इसको पता चला कि ये लड़की कोई और है वो लड़की कोई और है तो उस दिन उसको दोनों से मुलाकात होने का सौभाग्य मिला और वो ए, और भी मिला जिसने उनको गोद दिया था और तीसरी बात इन दो ये दोनों लड़की एक साथ उसको मिल गई और साथ में इस जो है एक अच्छी फ्रेंड के रूप में ये उनको मिल गई तो ये जो कहानी लिखी थी ललिता श्रीधर ने और ललिता श्रीधर एक भारतीय लेखिका है और इसने बहुत सी प्रसिद्ध कवि कहानियाँ लिखी हैं शी गिव्स ए डीप इनसाइट इन टू रीडर्स माइंड ये जो श्रीधर है ये रीडर्स माइंड पाठकों के मन के अंदर गहराई तक जाती हैं उनके मन को टटोल लेती हैं एंड करिएट्स एन एटमोसफेयर और ऐसा वातावरण पैदा करती है अपनी कहानियों में दैट मोटिवेट्स द रीडर कि रीडर्स बड़ा मोटिवेट हो जाता है टू रीड ऑन विद द सेम क्यूरिसटी एंड एंथुसिज्म कि वो कहानी को उसी जिज्ञासा के साथ क्यूरिसिटी और उसी एंथोसिज़म क्या होता है उसी जोश के साथ पढ़ता है तो ऐसी कहानियों में खासियत है कि पढ़ने लग जाओ तो अंत तक कहानी में जिज्ञासा और जोश बनी रहती है तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा टू मच ये थर्ड यूनिट का चैप्टर था ये सेक्शन टू और तो आपको ये कहानी भी मज़ेदार लगी होगी ओके बेटे बाय नाइस डे